हेलो एवरीवन, एक्सीलेंट एजुकेशन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। एक्सीलेंट एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं फ्रॉम द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मुख्य काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाना होता है और कानून बनाने की एक प्रक्रिया है। एक सामान्य कानून बनाने के लिए पहले संसद के किसी भी सदन में बिल पेश किया जाता है, फिर उस पर चर्चाएं होती हैं और फिर उस पर वोटिंग होता है, और जब दोनों सदन उस बिल को पास कर देते हैं तब जाकर के एक कानून बनता है। इस सीरीज के माध्यम से हम उस बने हुए कानून और उस पेश हुए बिल का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे वो आम नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी है और आम नागरिकों की किस समस्या का हल उस बिल के माध्यम से हो सकता है। तो आज का हमारा पहला बिल है जो कि संसद में पेश हुआ है, 123rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो कि नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए पेश किया गया है और लोकसभा ने इसे पास भी कर दिया है। तो देखते हैं इस बिल के मुख्य अंश क्या क्या हैं। 123rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सबसे पहले लोकसभा में 5 अप्रैल 2017 को पेश किया गया हमारे सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर के द्वारा। इस बिल के पास हो जाने के बाद जो नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेज है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगी, और जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, उसी तर्ज पे नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस बनाई जाएगी। ये जो बिल है ये 3 अगस्त 2018 को लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी से ऑलरेडी पास हो चुकी है। तो अब इस बिल को जब पेश किया गया तो साथ ही साथ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज रिपील बिल 2017 भी पेश किया गया, क्योंकि हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उस बॉडी को हटा करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं इस बिल के की फीचर्स क्या हैं। इस बिल के द्वारा जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है उसको, जो बैकवर्ड क्लासेज के मैटर को एग्जामिन करने के लिए एम्पावर किया गया था, उस पावर को हटा लिया जाएगा। और आप सभी जानते होंगे कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है वो शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेज और एंग्लो इंडियन तीनों के मैटर को एग्जामिन करता है और उनके वेलफेयर के बारे में सुझाव भी देता है सरकार को। अच्छा, और ये जो बिल है ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल क्लासेज एक्ट 1993 को हटा देगा और एक नई बॉडी बनाएगा। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल इंसर्ट किया जा रहा है, आर्टिकल 338B, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के कंपोजिशन, मैंडेट्स, फंक्शंस और वेरियस ऑफिसर्स ऑफ NCBC तय करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं इस बिल का और क्या फीचर है। ये बिल में एक और आर्टिकल इंसर्ट किया गया है इस बिल के माध्यम से, आर्टिकल 342A, जो कि प्रेसिडेंट को एम्पावर करेगा किसी भी क्लास को जो कि सोशियली और एजुकेशनली बैकवर्ड है उसको स्पेसिफाई करने के लिए, और ये किसी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में लागू होगा। और प्रेसिडेंट ये काम गवर्नर के कंसल्टेशन से करेंगे और अगर गवर्नर से बातचीत करके इस मैटर को लिया जाएगा कि किस कम्युनिटी की जो कि एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड है उनको हम ये जो बैकवर्ड क्लासेस का टैग दें या ना दें। ठीक है, देखते हैं और क्या प्रोविजन है इसमें। इसके द्वारा जो 5 मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, जिसमें एक चेयरमैन भी होगा, और उसका जो टेन्योर और सर्विसेज है वो प्रेसिडेंट के द्वारा रूल के अकॉर्डिंग तय की जाएगी। ठीक है, बाकी इनका जो पावर होगा, ये जो बॉडी बनेगी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इनका पावर सिविल कोर्ट का होगा, जो कि किसी भी मैटर को अगर एग्जामिन और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो वो लोगों को समन कर सकते हैं, एग्जामिन ओथ दिला करके एग्जामिन कर सकते हैं, वहां डॉक्यूमेंट सबमिट हो सकता है। तो ये सारे पावर उनके पास होंगे जो एक सिविल कोर्ट के पास होता है। बाकी इनका फंक्शन क्या क्या है, मतलब ये जो बॉडी बनेगी ये इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर हाउ सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड टू बैकवर्ड क्लासेस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉ आर बीइंग इंप्लीमेंटेड, मतलब कि जो बैकवर्ड क्लासेस के इंप्रूवमेंट के लिए जो भी लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, उसका सही से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। फिर अगर कोई स्पेसिफिक कंप्लेन आ रहा है तो उसकी भी इंक्वायरी यह NCBC करेगी। ठीक है, और उसके बाद एडवाइस करेगी और रिकमेंडेशन देगी गवर्नमेंट को जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इन क्लासेस से रिलेटेड, उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाए, उनको समाज की धारा में कैसे जोड़ा जाए और उनका सामाजिक और आर्थिक विकास कैसे हो, इन सारे चीजों में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को वो समय समय पे
रिकमेंड करेगी, और ये जो दोनों गवर्नमेंट हैं ये इनसे कंसल्ट भी करेंगी जो मेजर पॉलिसी डिसीजन होंगे इन बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड, जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं कि और किन कानून पे आप वीडियो देखना चाहेंगे, और जो भी संसद में बिल पेश हुए हैं किसका एनालिसिस आप देखना चाहेंगे। हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इस फ्री एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।